What's good, everyone? Welcome back to Music Producer React. This is Riz Viz, Music Producer Sound Engineer. अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. सबसे पहले थैंक यू सो मच everyone, जितने भी लोगों ने मुझे प्यार दिए, सपोर्ट देते हैं, एनकरेजमेंट है जिनका, और जो लोग मुझे सब्सक्राइब किए, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर मैसेजेस, ऑल योर कमेंट. यू गाइज आर ग्रेट. आप लोग का मैं जितना थैंक यू करूँ उतना कम है. तो बहुत 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 शुक्रिया सबका, फिर से राइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई वुड लाइक टू थैंक एवरी वन हु सपोर्टेड मी, हु सब्सक्राइब टू माई चैनल, हु गेव मी देयर लव, हु कॉन्स्टेंटली सेंड मी टू रिएक्ट ऑन दिस सॉन्ग और दैट सॉन्ग और दिस सॉन्ग. आई लव दैट, ऑनेस्टली मैं इरिटेड फील नहीं होता. आई लव दैट बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल हु वांट टू सी सो मेनी रिएक्शन. एंड आई डिड रिएक्शन ऑन NBA यंग बॉय सॉन्ग थोड़ी देर पहले, प्लीज आप लोग वो चेक कर लेना. बहुत 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 प्यारा गाना है, बहुत प्यारा गाना है. होम एंड होम और रॉड वेव का एक 8 बार का वर्स है उसमें, बट आई लिटरली गॉट इमोशनल. आई एम स्टिल इमोशनल लिसनिंग टू दैट सॉन्ग बिकॉज मैंने थोड़ी देर पहले ड्रॉप किया था एंड आई जस्ट कांट कम आउट ऑफ इट. तो लेट्स मूव ऑन. अभी मैं रिएक्ट करने वाला हूँ जैसे इसका, ये गाना पहले आ चुका था बट इसका ऑफिशियल वीडियो अभी आया है. दिस सॉन्ग इज फ्रॉम गली गैंग कॉल ब्लिस फिशरिंग गुरबक्स बुर्रा एंड MC अल्ताफ. तो गुरबक्स आई थिंक वॉज अ रॉक बैंड आर्टिस्ट, गिटारिस्ट भी है, ठीक है. एंड बुर्रा आई एम लिसनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑनेस्टली, ठीक है. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लिसन टू द सॉन्ग. एंड अगर आप लोग पहली बार, अगर आप लोग गुरबक्स बुर्रा या MC अल्ताफ के फैन है या गली गैंग के फैन हो और मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो, तो मैं गाना हमेशा 5 एलिमेंट पर रिएक्ट करता हूँ. म्यूजिक, मिक्सिंग, मास्टरिंग, लिरिक्स, डिलीवरी, फ्लो एंड वाइब, ठीक है. तो लेट्स लिसन टू द सॉन्ग एंड आई गिव द इनपुट आउटपुट या जो भी है गाने का. ओके, लेट्स डू इट. टू मंथ्स इट इज स्टेज 4. आई एम सॉरी, मैं तुम्हें मेडिकेशंस प्रेस्क्राइब कर सकता हूँ जो पेन में हेल्प करे. आई एम रियली रियली सॉरी चीफ. नो डॉक्टर, थैंक यू. दिस गाय इज गोइंग थ्रू अ कैंसर 4th स्टेज, इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग एवरीथिंग. लगते नजारे सारे, नजारे लगते प्यारे तारे, लगते सारे इंसान इंसान ना सौंदे मैनू जगते नजारे सारे, पुरानी लगते प्यारे प्यारे लगते सारे इंसान इंसान. What a beautiful voice, dude. What a beautiful voice. If this is Gurbakhsh, Gurbakhsh, love you man, love you. What a beautiful voice, yaar. I'm touched. Hega sab kuch ki khona khona khona. Chonda main kuch na pauna pauna pauna. Baharon jisda hasna rona 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 rona. Andar vasta santokha tokha tokha tokha. Jeena marna hai ve chal daave jana. जीवन चक्का घूमदा है जाना, विच दे असी तुरदे जाना, वापसी बन के मुरदे जाना. I'm sorry, I'm stopping here. Guys, you can't even imagine what a person with at a stage 4 cancer will be going through, right? Man, that's I need to even think. सोचने में भी वो इतना intense लगता है. And on top of that, Gurbakhsh's vocal is making it believe more real and the pain of the guy's face, you know. Jeena marna hai ve chal daave jana, jeevan chakka ghumda hai jana, vich de assi turde jana, vaapsi ban ke murde jana. जगते न
नजारे सारे नजारे लगते प्यारे प्यारे लगते सारे इंसान इंसान रास आउंदे मैनू जगते नजारे सारे पराणी लगते प्यारे प्यारे लगते सारे इंसान 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 बनाया उसने खूबसूरत इस जहां को बड़ा रखो दिल सबको जगा दो प्यारे लगे सब देता दांत में उसकी कला को रहना सीखो साथ इंसान तुम दूरी मिटा दो मैं रहता जिस मोहल्ले में पड़ोसी मेरे सगे थे फौत किया याद लेकिन अपने नहीं थे जगह पे छीन गया प्यार तभी पानी सूखा गले से मैं टूटने ना दूं रिश्ते मेरी जान जाए भले से दिखाए नजारे जिंदगी मैं देख रहा मजे से सीखा खुले में जीना इसलिए दायरे में नहीं रहेंगे इंसानियत ही मतलब हम इंसान बन के रहेंगे तो वादा आज से मेरा कसम खुदा की बांटेंगे हम प्यार आधा मेरा आधा तेरा मेरे दिल के जो करीब उनसे नाता मेरा गहरा रखता आंखों में ना अंतर अब भी जैसा वैसा पहला इसलिए ब्लेस जग दे नजारे सारे नजारे लगते प्यारे प्यारे लगते सारे इंसान इंसान रास आउंदे मैनू जग दे नजारे सारे पराणी लगते प्यारे प्यारे लगते सारे इंसान इंसान In the loving memory of Aksh Mohan, Naughty, King Faisal, MC Tollfold, and all our loved ones lost through this journey we call life, the world will never forget how they made us feel. And there are so many, so many amazing people, amazing artists we lost. Rest in peace to Sidhu Moosewala as well. May his soul rest in peace forever. God bless him. Beautiful song, beautiful, beautiful song. I have actually lost someone from cancer in couple of in recent years. So I know what we've been through, what my cousins and my family been through, what was their situation, and it's hard to overcome. Gurbakhsh, man, your vocal made it so real. I eventually went into flashback. I was looking at that guy and I was looking at my uncle because my uncle was suffering through the same thing and he passed away. May his soul rest in peace too. I mean, you eventually put, again, this is the second track I listened and put me into emotional mode because maine Home NBA Youngboy ka kiya tha, exactly. I was into the same feeling, which is I'm emotional. ठीक है, म्यूजिक इज वेरी गुड एज यू कैन सी. प्रोडक्शन गुरबख्श, मिक्सिंग मास्टरिंग बाय हनीश तनेजा, एडिशनल गिटार रोहन सोलोमन, वेरी गुड गिटार ब्रो, वेरी वेरी गुड गिटार. हमारे सोलोमन प्रोबेबली दैट्स अ किड. गुरबख्श, इज इट गुरबा एक्स ना गुरबख्श, व्हाट अ वॉइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉइस, अमेजिंग प्रोडक्शन, वेरी सटल, वेरी ईजी म्यूजिक, यू डोंट नीड टू एड लॉट ऑफ एलिमेंट्स टू इट. Very straightforward, very emotional, very sentimental. Bahut pyari, bahut pyari, bahut, bahut pyari music. Gurbakhsh, I loved your work, bro. I became fan of your vocal. Bahut hi nicely composed hook tha, pre-verse tha, phir verse tha. Agar gaane mein MC Altaf nahi bhi hota to ye gaana bahut acha tha, bahut, bahut acha tha. Ispe aapko MC Altaf ka verse. ठीक है, MC Altaf is there, he's a very good artist, he is one of the prominent name in Indian hip hop, Desi hip hop, and core artist of core artist of Gully Gang, I think. Yes, he's I have heard couple of verses in the past. His lyrics was okay, like very simplified, very, because वो गाने में ज़रूरत ही नहीं थी एक्सेसिव एलिमेंट ऐड करने की. An entire song was Gurbakhsh, trust me. He was damn, the flow, the lyrics, the delivery, the vibe of it was damn good. I would definitely गाना मैं वापस सुनूंगा.
बहुत प्यारा गाना है, बहुत बहुत प्यारा गाना है। जितने भी यंग आर्टिस्ट है प्लीज़, अगर आप लोग खुद पे बिलीव करते हो तो आप ऐसे गाने बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है किसी, आप रैप कर सकते हो, आप गाना गा नहीं सकते हो। मेरा हमेशा से एक फोबिया होता था कि मैं हुक नहीं लिख पाता था, ठीक है। तो अगर आप लोग को बता, अगर मैं सॉन्ग राइटर भी रह चुका हूँ, मैं लिरिक्स भी रह चुका हूँ, आप लोग लिरिक्स बोलो लिरिक्स बोलो, मैं सॉन्ग राइटर भी रह चुका हूँ, ठीक है। मैं कॉर्ड प्रोग्रेशन वो सब के हिसाब से, मेरे को कभी हुक लिखने नहीं आता था, मैं हमेशा वर्स पे काम करता था, डायरेक्ट वर्स पे ही काम करता था। बट देन आई रियलाइज कि हुक इज इक्विवेलेंटली इंपॉर्टेंट एज योर वर्सेस। अगर आपका हुक ही बराबर नहीं होगा तो पब्लिक गाना आगे सुनेगी क्यों, राइट। बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आपका हुक बहुत मैटर करता है, आपका एक्चुअली ब्रिज भी बहुत मैटर करता है, आपका ब्रिज भी बहुत मैटर करता है। कभी कभी कोई कोई गाने में ऐसा होता है कि आपका ब्रिज भी बहुत मैटर करता है। लेकिन मैं आपको एक डेमो बताता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ, बहुत पुराना गाना है, ठीक है, रिकी मार्टिन और फैट जो का, आई डोंट केयर गाने का नाम है, ठीक है, बहुत पुराना गाना है। लेकिन ये गाने में ना रिकी मार्टिन का भी पूरा गाना बहुत मस्त है, फैट जो का वर्ड्स भी बहुत बिल्ला है, लेकिन ये गाने में ना एक बंदी है, अमीरी नाम की एक बंदी है, ठीक है, उसका एक ब्रिज है गाने में, आप लोग वो सुनो, वो पूरे गाने का कंटेक्स्ट चेंज कर देती है आके। एक सेकेंड ना, let me play. अगर आप देख रहे हो तो यशिकम, आप लोग से वो ब्रिज सुनो, ब्रिज सुनो। ठीक है, तो ये बहुत पुराना गाना है एक्चुअली, ठीक है। दिस सॉन्ग इज अराउंड 2009, almost 11 years back when I eventually started production, वो टाइम का गाना है ये। और आई ट्राइड अ लॉट, मैंने बहुत सारी ऐसी लड़की ढूंढने की कोशिश की, ऐसा गाना बनाने की कोशिश किया, बट प्रॉब्लम ये है कि आज के टाइम पे आपको ऐसे सिंगर बहुत कम मिलेंगे जो आपके गाने को बूस्टअप करने का सोचे। मेजोरिटी आज के टाइम पे अगर आप कोलैब भी करते तो एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को खाने की सोचता है। अगर दो आर्टिस्ट मिलकर गाना बना रहे तो ये बोलता नहीं, मैं तो इसको पेल दूंगा वर्स में, आई विल टेक ओवर द क्रेडिट। ये पहले के म्यूजिक में ऐसा मकसद नहीं होता था। बट व्हेन यू लिसन टू दिस गुरबख्श सॉन्ग, ठीक है, जिस पर मैंने रिएक्ट किया हूँ, वो गाना अगर आप सुनोगे तो उसमें ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोई एक दूसरे को गाने का नाम ब्लेस है, कोई एक दूसरे को ओवर शेडो करने की कोशिश कर रहा है या कोई एक दूसरे के ऊपर भारी होने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो गाइस प्लीज, आप लोग अगर कोशिश कर सकते हो तो बिंदा ऐसा गाना बनाओ, अगर हुक नहीं लिख सकते तो ब्रिज पे काम करो, ब्रिज नहीं कर सकते तो आप लोग हुक पे काम करो, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि हुक लिख ही नहीं पाते, तो आप लोग एक काम करो, सबसे इजी, आप 24 बार का वर्स लिखो, ठीक है, उसमें 4 बार हुक के लिए निकाल दो, सिंपल, आपको ईजी हो जाएगा, धीरे 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 आप यूज टू हो जाओगे तो आप वो टेक्निक फॉलो करने लगोगे, ठीक है। सो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलेगा, मैं एवरी टाइम आई विल कम विद न्यू टेक्निकलिटीज। एक और चीज़ गाइस, वंस अगेन, अगर आप, बहुत सारे आर्टिस्ट लोग बोलते हैं कि यार म्यूजिक से पैसा नहीं आता, ये नहीं आता, तो आप लोग अपना गाना डालने से पहले ही व्हाट यू कॉल इट, एक यूट्यूब मॉनिटर चैनल ले लो, डायरेक्ट आपको स्टार्ट से रेवेन्यू आना चालू हो जाएगा, आपको एटलीस्ट आप इंस्पायर्ड तो रहोगे कि नहीं आई हैव टू वर्क हार्ड बिकॉज देयर इज समथिंग वेटिंग फॉर मी, मेरा पैसा और बढ़ेगा। पैसे के लिए करो, किसको पैसा नहीं चाहिए आज के टाइम पे, हर किसी को पैसा चाहिए, पैसे के लिए ही काम करो, ठीक है। तो अगर आपको अगर मोनेटाइज यूट्यूब चैनल चाहिए होगा तो मेरे को कनेक्ट करना इंस्टाग्राम पे, आई डेफिनेटली हेल्प आउट, इट्स हार्डली एनी पीनट्स, इट्स नॉट दैट बिग डील, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर म्यूजिक प्रोड्यूसर रिएक्ट गाइस, आई विल सी यू सून विद अनदर सॉन्ग, दैट वाज आई रिएक्टेड ऑन ब्लिस फीचरिंग गुरबख्श बुर्रा एंड MC अल्ताफ, ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल 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 सॉन्ग, दैट्स ऑल फ्रॉम music producer, yeah, peace out bro.